वो वोगेदा नमस्ते अदप शास्त्री अकाल मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन द सीए फाइनल एएफएम श्योर शॉट 10 मार्क रिवीजन सेशन सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पांस फॉर एससीपीएम 10 मार्क श्योर शॉट एंड थैंकफुली सो मेनी क्वेश्चंस सो मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन

for that matter anything else right so here I am fully focused to give you the best in in terms of concepts and in terms of the practical questions that we are going to do तो चलो टी स्टार्ट करते हैं मार्जिन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो ये रहा मेरे नोट्स जिससे मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ इज द मैजिक बुक जिससे मैं ये करवा रहा हूँ सो ईदर यू में है मैजिक बुक और यू में नॉट है बुक का लॉन्च होने वाला है बहुत बहुत जल्द ठीक है सो Uh, तो वो ऑब्वियसली आप प्री बुक करके ऑर्डर कर ही टेलीग्राम चैनल, चैनल का लिंक है उधर मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं एज इट इज आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा वो पीडीएफ आप लोग भी और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड आई थिंक फिर बाद में तुम लोग ये लेक्चर देखोगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी स्मूथ तो जो भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है वो सारा का सारा मैं यहां पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूं विद मोड्यूल एग्जाम्पल तो बोलो और आपको लाइफ में क्या चाहिए और ये नोट जो है विद सॉल्यूशन विल बी शेयर विद यू इन माई टेलीग्राम चैनल सो वहां पर आप लोग प्लीज एक्टिव रहिएगा चलो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट पॉजिटिव नोट मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो फ्यूचर्स क्या होता है उसका एक छोटा सा बेस ले लेते हैं and, जैसा कि नाम है फ्यूचर इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक अगर अपने को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है दूसरा अगर अपने को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है सिंपल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है स यू विल बाय इन जनरल अभी भूल जाओ चलो फ्यूचर इन जनरल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप आज क्या करोगे सीधी सी बात है आज आप बाय कर लोगे राइट right? सो so, कोई भी चीज अगर आपको लग रही है जिसका प्राइस ऊपर जाने वाला है यू विल बाई टूडे सो दैट जब प्राइस ऊपर जाए तो आप उसको हायर प्राइस पे सेल कर सकते ऑपोजिट अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज का प्राइस गिरने वाला है तो आप क्या करोगे आज का आज उसको सेल कर दोगे क्योंकि आज मैं सेल करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा फ्यूचर में तो इसका प्राइस कम होने वाला है तो अगर कम हो गया देन इन दैट केस आई विल गेट लेस मनी सो दैट इज वेर फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ध्यान रखना व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन यू विल सेल अब ये तो एक जनरल पार्लेंस में बात हुआ बाय एंड सेल बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में वी विल यूज द वर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या वर्ड यूज करेंगे जब अपने को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अपन क्या करते हैं बाय बाय को क्या टर्मिनोलॉजी से अपन लोग डिनोट करेंगे वी विल डिनोट इट विद वर्ड लॉन्ग एंड अगर मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं क्या करूंगा सेल तो सेल को अपन लोग डिनोट करेंगे विद द वर्ड शॉर्ट हा भाई तो अभी आप लोग ने क्या सीख लिया वैसे मैं आपको बता दू कि मेरे फ्यूचर्स से रिलेटेड है ना रिविजन लेक्चर्स भी है यूट्यूब के ऊपर अगर आपको बेसिक भी फ्यूचर्स का नहीं पता है ना मेरे वो लेक्चर देखो फ्यूचर्स के ऊपर भी मैंने रिविजन लेक्चर्स डाले हैं सो so, थोड़ा आप लोग को आइडिया आ जाएगा नहीं भी आता है तो भी कोई टेंशन नहीं अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं उससे यू विल एकदम वर्किंग अप वेल सो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बॉस दो ऑप्शन है दो चीज पॉसिबल है या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो एक है भाई मार्केट गोज अप बॉस अगर मार्केट मेरे को लग रहा है ऊपर जाने वाला है एक्सपेक्टेशन क्या है अपना so, यहां पे अपन लोग लिख लेते हैं भाई क्या एक्सपेक्टेशन है दैट मार्केट में गो अप सो एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर दैट मार्केट गोज देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा आई विल बाय बट मैं फ्यूचर्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलता हूं लॉन्ग करूंगा मैं ठीक है एंड दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास दूसरा थिंग इज दैट इफ आई फील दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन तो मार्केट गोज डाउन केस अपन क्या करेंगे सेल सेल का मतलब क्या होता है करेक्ट शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है शॉर्ट अब आपने यहां पे फ्यूचर्स में एक चीज हमेशा याद रखना आपने जो भी इनिशियल पोजीशन लिया है आपको फ्यूचर में उसका ऑपोजिट पोजीशन लेना पड़ता है तो यानी आपने आज बाय मतलब लॉन्ग किया है यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप और सच्ची में ऊपर गया अच्छी बात है अपने लिए तो अपने को इसको ऑफसेट करना पड़ेगा शॉर्ट करके यानी सेल करके ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा बट सर अगर मेरे जो सोचा वैसा नहीं हुआ और मार्केट नीचे गया तो भी इसको क्लोज करना पड़ेगा ऑपोजिट पोजीशन लेके सेल तो करना पड़ेगा बट इन दैट केस आपको लॉस हो जाएगा समझ रहे बट अगर आपने यहां पे शॉर्ट किया है ठीक है तो सेल किया है तो इसको आप ऑपोजिट एक्शन क्या लोगे आप करेक्ट आप इसको क्लोज करोगे बाय टेकिंग अ लॉन्ग बाय पोजीशन तो ये फ्यूचर्स का एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को मैंने एक आइडिया दे दिया अब जब भी भी आप मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करने के लिए जाओगे तो इट विल ऑलवेज हैपन इन लॉट्स इट विल हैपन इन लॉट फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है ठीक है एंड अगर मेरे को ये रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है तो इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन लॉट से फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड का लॉट साइज है ठीक है ये डिनोशन है एक वर्ड के एक लॉट में फाइव हंड्रेड का लॉट साइज है सो so, इसका मतलब क्या हुआ इट इज इक्वल टू ऑफ रिलायंस इन वन लॉट ये उसका लॉट साइज हुआ फाइव हंड्रेड शेयर ऑफ रिलायंस ये उसका वन लॉट साइज हुआ मतलब एक लॉट में आपको पांच सौ शेयर खरीदना है अज्यूम करते हैं कि भाई उसका एक शेयर ओके लेट्स सी वेज मैं कैलकुलेट या सपोज उसका एक शेयर है ऑफ रुपीज वन थाउजेंड तो अब आपके लिए एक लॉट का मतलब क्या हुआ करेक्ट एक लॉट में आएंगे पांच सौ शेयर रिलायंस के इन हजार पर शेयर तो इन शॉर्ट अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और एक लॉट भी अगर आपको रिलायंस का लेना है तो इट इज गोइंग टू बी फाइव हंड्रेड इंटू इज गोइंग टू बी रुपीज फाइव लाख विच इज गोइंग टू बी रुपीज फाइव लाख एक लॉट फाइव लाख रुपीज का अब अगर आप शेयर मार्केट में गए और बोला यार मुझे पांच लाख रुपए का शेयर खरीदना है तो आपको सामने पांच लाख रुपए पे करने पड़ेंगे तब जाके आपको फाइव लाख रुपीज का शेयर मिलेगा बट यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे आपको पे करना पड़ता है समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिन मनी जो आज का अपना कॉन्सेप्ट है यहां पे आपको आज पे करना पड़ेगा द मनी अब यह मार्जिन मनी कैलकुलेट करने का भी तरीका है जो आज अपन लोग अभी थोड़ा फटाफट तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे ये मार्जिन मनी कैलकुलेट करते हैं कभी प्रैक्टिकली अगर सीखना हो मार्जिन मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो नेट मी नो आई विल टीच दैट ऑल्सो So, एक स्नैप मार्जिन होता है और एक एक्सपोजर मार्जिन होता है ये दोनों को मिला के बनता है आपका ओवरऑल मार्जिन दैट यू हैव टू पे फॉर एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये मार्जिन मनी यूजुअली इट इज डिपेंडेंट ऑन एवरी शेयर तो से फॉर एग्जांपल एक शेयर है एसीसी उसका 21 परसेंट है बट अडानी एंटरप्राइजेस का 45 परसेंट है आपको उतना पे करना पड़ेगा मार्जिन में किसी कंपनी का 15 परसेंट होगा किसी का 25 परसेंट भी होगा अज्यूम करते हैं यहां पे आपको मार्जिन मनी पे करना है ट्वेंटी का तो रुपीज वन लैख रुपीज ओनली पे करके यू कैन एंटर इन टू अ रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉट अब इसमें आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है जो करना है पहले मार्जिन मनी डिपोजिट करो क्यों क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट करना हुआ देखो एक चीज समझ लो बॉस इफ इन इन फ्यूचर मार्केट वन पर्सन इज गोइंग टू गेन वन पर्सन इज गोइंग टू लूज तो जो पर्सन लूज करने वाला है अगर वो भाग गया देन इन दैट केस थोड़ी ना स्टॉक मार्केट पीछे उसके भागने वाला है तो लोग बोलते हैं आप दोनों है ना मार्जिन डिपॉजिट कर दो वन पर्सन इज लॉन्ग वन शॉर्ट मतलब मैं अगर लॉन्ग हूं तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है सेम प्राइस पे कोई और शॉर्ट है मतलब उसको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है होने वाला एक ही चीज या तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा मतलब इन शॉर्ट कोई ना कोई गेन करेगा कोई ना कोई लूज करेगा तो इन दोनों को बोलता है शेयर मार्केट के बॉस आप लोग दोनों को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है आप लॉन्ग कर रहे हो आप शॉर्ट कर रहे हो दोनों मार्जिन मनी लेकर आओ ठीक है जो भी लूज करेगा उसका मार्जिन मनी जाएगा उसको जो इसको गेन करेगा समझ में आ रहा है आप लोगों को दैट इज रीजन व्हाई मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर्स गेम तो अब ये अपने को एक बेसिक चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया अब तुम्हारे को बताता हूं मैं दैट टोटल यहां पे तुम लोगों को दिख रही होगी तीन कॉन्सेप्ट इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन मार्क टू मार्केट मार्जिन आओ इसके बारे में समझते हैं सो so, मार्जिन से रिलेटेड अपने को यहां पे तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सबसे पहला आता है इनिशियल मार्जिन अगर आप किसी भी तरह का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो देन इन दैट केस यू हैव टू इन अ इनिशियल मार्जिन तो कितना होगा ये इनिशियल मार्जिन जैसा मैंने बोला मेरे मैं को अगर आप लोग कभी आपके पास टाइम हो तो बताना मैं आपको एक्चुअल में मार्केट में कैसे मार्जिन कैलकुलेट होता है वो भी करना सिखाऊंगा फिलहाल मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला है इनिशियल मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एग्जाम में आपको ये म्यू विच इज डेली एब्सोल्यूट एवरेज भी दिया होगा एंड ये दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इन डेली एब्सोल्यूट चेंज ये भी दिया होगा सो so, आपको म्यू

एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन कनेक्टेड है तो जैसे ही मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे सोचा है कि रिलायंस रिलायंस लॉन्ग कर लूंगा राइट बाय कर, कर, right? कर रहा हूं ताकि आगे जाके जब ऊपर जाए तो मैं उसको शॉर्ट करके मेरे पोजिशन को क्लोज करके प्रॉफिट कमा लू अब जैसे ही मैंने यहां पे लॉन्ग करने के लिए मैंने ट्रेड डाला लॉन्ग फ्यूचर्स वन लॉट फाइव लाख रुपीज तो मेरे पास आएगा भाई ट्वेंटी वन परसेंट इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करो मैं बोल दूंगा ओके वन लाख ,00 रुपीस ट्वेंटी परसेंट इनिशियल मार्जिन मैंने डिपॉजिट कर दिया वन लाख रुपीस अब क्या होगा कि डेली बेसिस पे ये ट्रैक होगा मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वन थाउजेंड पर शेयर का जब प्राइस था तब मैंने इसको एंटर किया से फर्स्ट जैन को फर्स्ट जैन को मैंने ये एंटर किया इस ट्रेड में अब जैसे ही मैं इस ट्रेड में फर्स्ट जैन को एंटर करता हूं ₹1000 पर शेयर का प्राइस है अब कहानी आगे बढ़ेगी से फॉर एग्जांपल सेकंड जैन को प्राइस हो गया ₹1050 पर शेयर अभी अच्छी बात की बुरी बात मेरे लिए इट इज अ गुड थिंग मैं तो चाहता ही था प्राइस बढ़े और प्राइस बढ़ा अब मेरे को कितने का फायदा होगा कैन आई से पर शेयर का बट मैंने तो लॉट में लिया है एक लॉट में कितना है 500 है पर लॉट इन शॉर्ट मेरे को कितने का फायदा हुआ सो कैन आई से फिफ्टी इन टू फाइव हंड्रेड में करता हूं तो आ जाता है रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो आई से ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का गेन हुआ है मेरे को दिस गेन विल बी डिपॉजिटेड इन माई मार्जिन अकाउंट यस ठीक है तो वो जो मार्जिन अकाउंट है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज से उतने से बढ़ जाएगा हो सकता है किसी ने वन थाउजेंड के ऊपर शॉर्ट किया होगा और उसको लग रहा होगा मार्केट नीचे गिरेगा बट मार्केट फिफ्टी से ऊपर गया उसको क्या करना पड़ेगा उसके अकाउंट से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज लॉस रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं देन इन दैट केस से देर इज मिस्टर संकल्प इज मिस्टर संकल्प एंड इज से मिसेस संकल्प Mrs. संकल्प को लॉस करवाते हैं ठीक है ना देखो घूम फिर के सब बैलेंस हो ही जाता है लाइफ में सो so, यहां पे मैंने एक लाख रुपया भरा ठीक है मिसिस संकल्प ने भी रुपीज वन लाख पे किया होगा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं अपना अपना सबका डीलिंग होगा अब यहां पे फिफ्टी रुपीज है तो हम लोग ने ये डील क्लोज किया था वन थाउजेंड पर शेयर पे कोइंसिडेंटली इंसिडेंटली मैडम ने भी हमारे पर शेयर में लिया उसने बोला कि नहीं नहीं गिरेगा मार्केट मैं बोला नहीं नहीं अब तो जो ऑपोजिट जो मैडम बोलती है उसका तो ऑपोजिट ही करते हैं अपन है कि नहीं आप भी ऐसे ही करते हो तो चलो आओ आगे अब ये हुआ वन जीरो फाइव जीरो पर शेयर तो क्या हो गया ये पच्चीस हजार रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे तो ये जो मेरा मार्जिन अकाउंट है ना ये जो मेरा मार्जिन अकाउंट है स्टॉक मार्केट के पास उधर मेरे को दिखना चालू हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैंने वन लैख डाला था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिख रहा है बट मेरी जो मैडम है उनके अकाउंट से क्या होगा करेक्ट ये ही जब वन जीरो फाइव जीरो पर शेयर हो जाएगा शी एक्सपेक्टिंग द मार्केट मार्केट गो डाउन बट ऊपर गया तो मैडम के अकाउंट से पच्चीस हजार रुपए बाहर हो जाएंगे एंड उनके अकाउंट में बचेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड ओनली तो ऐसे ऊपर नीचे चलते रहेगा अभी मैं खाली संकल्प को आगे लेके चल रहा हूं तो अभी संकल्प का थाउजेंड के हिसाब से जब था

बट फिर अचानक से कोई न्यूज आया कि रिलायंस के फैक्ट्री में आग लग गया तो ये सीधा 1080 से हो गया 950 पर शेयर क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है हमारी मैडम खुश तो यहाँ पे 130 का सीधा का सीधा डाउनफॉल इन टू अब मेरे अकाउंट में से इतना माइनस हो जाएगा समझ लो ये 1.4 लाख हुआ अब ये 1.4 लाख में से 130 5000 मतलब क्या ना इसे 65000 हुआ तो 65000 माइनस तो 1.4 लाख में से से 65000 माइनस करोगे तो कितना आता है यार मेरा कैलकुलेटर आजू बाजू में ठीक है सो इट विल बिकम एप्रोक्सीमेटली 75000 हो जाएगा चलो ठीक है तो ये मेरे अकाउंट में अब जो 140000 था वो 75000 हो गया तो ये डेली होता है ठीक है ना ये फर्स्ट जैन था ये थर्ड जैन, जैन समझो ये फोर्थ जैन से ये फिफ्थ को हंड्रेड पर शेयर मालूम पड़ा बहुत ज्यादा आग फैल गई है तो ये और पचास इंटू पांच का मेरे को यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो ये पचास इंटू पांच सो कहना इसे

ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट इसको क्या बोलते हैं बेटा मार्क टू मार्केट तो यहां पे आप लोग ये कॉन्सेप्ट देखोगे देखो लिखा है मार्क टू मार्केट मार्जिन सो व्हाट इट मींस इज फ्यूचर्स आर मार्क्ड टू मार्केट सो द करंट प्राइस इज कंपेयर्ड टू प्रीवियस डेज प्राइस सो मेरा यहां पे जो करंट प्राइस है नाइन फिफ्टी

ये तो होते होते अगर बहुत लॉस हो गया तो आपका तो जीरो हो जाएगा तो उनके पास जो डिपॉजिट था वो खत्म तो ये जीरो ना हो ये जीरो ना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है समथिंग कॉल्ड एज मेंटेनेंस मार्जिन ये जीरो ना हो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट बेटा जिसको बोलते हैं करेक्ट मेंटेनेंस मार्जिन जो बोलता है बॉस आपने एक लाख रुपए डिपॉजिट किए है ना बहुत अच्छी बात है ये है आपका आई एम इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा तो ये कैलकुलेट हुआ हम लोग ना म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन से मेरा इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट हो गया बट साथ में ही वो लोग आपको मेंटेनेंस मार्जिन भी बता देंगे से द मेंटेनेंस मार्जिन इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज मतलब इसके नीचे आपका मार्जिन नहीं जाना चाहिए अब सुनो यहां पे अपन लोग फिफ्टी थाउजेंड पे पहुंच गए हैं ठीक है ठीक है नाइन पर शेयर जब आया तब से हम लोग का फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का हम लोग इनिशियल मार्जिन पे पहुंच गए हैं एंड अगले दिन और कोई बैड न्यूज आता है समझो अब से अगले दिन हो गया ये मेरा शेयर का एट सेवेंटी फाइव पर शेयर अब क्या होगा 25 माइनस में चल रहा हूं मैं तो मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड तो 25 500 मैंने किया तो कहना ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ये हो जाएगा थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इमीजिएटली चालू हो जाएगा क्यों क्यों ये ये बजर बज ये बजर बज बज रहा रहा है है क्योंकि सर मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चले गया है अपना बैलेंस दिस बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन जितना तो होना ही चाहिए अगर ये मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गया इमीजिएटली सभी आपको स्टॉक मार्केट आपको कॉल करेगा और बोलेगा बॉस प्लीज रिफिल इट एंड इसको इनिशियल मार्जिन जितना ले जाओ आप बोलोगे ठीक है सर मैं 2500 करके इसको मेंटेनेंस मार्जिन तक ले आता हूं आंसर इज नो नॉट अलाउड आप जब आपका मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाता है तो आपको रिफिल करना है कितना इनिशियल मार्जिन जितना हो जाए मतलब अब आपको रिफिल करना है सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तो थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड करोगे तो ये देखो एक लाख रुपया हो गया तो इनिशियल मार्जिन माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इनिशियल मार्जिन बोला था वन लैख माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड शुड भी डिपोजिटेड इन माइ मार्जिन अकाउंट मेंटेनेंस मार्जिन मार्जिन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूचर ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन इज मार्जिन अकाउंट टू होल्ड फ्यूचर पोजिशन मेंटेनेंस मार्जिन मिनिमम कितना फोर्टी थाउजेंड होना ही चाहिए गया ये फोर्टी थाउजेंड के नीचे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन टली कॉल चलो चलो फटाफट क्विकली 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 टू फाइव हंड्रेड जो घर बार बेचना है बेचो हमको उसे कोई लेना देना नहीं दे है ये इनिशियल मार्जिन तक लेकर आओ जी हाँ सीधा काट देंगे आपका ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आपको हम बैन कर देंगे नहीं नहीं सर मैं करता हूं इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट सो so ये लोग एकदम स्मार्ट है सेबी इंडिया का सेबी स्टॉक मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अदर ओवरऑल वर्ल्ड क्या आपको समझ में आ गया इनिशियल मार्जिन क्या होता है क्या आपको समझ में आ गया इनिशियल मार्जिन क्या होता है म्यू प्लस स्टैंडर्ड दिया होगा दोनों एग्जाम में मार्क टू मार्केट डेली चेंजेस जो हो रहा है उस डेली चेंजेस के हिसाब से जो मेरा इनिशियल मार्जिन में प्लस माइनस होते जाएगा थर्ड मेंटेनेंस मार्जिन के भाई मिनिमम इतना हो सकता इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन तक जा सकता है उसके नीचे गया रिफिल टिल द इनिशियल मार्जिन समझ में आ रही है आपको बातें इफ इनिशियल इफ बैलेंस इन इनिशियल मार्जिन आफ्टर एडजस्टिंग एम टी एम हेलो गोस बिलो लोअर लिमिट एज फिक्स बाय स्टॉक एक्सचेंज विच इज माई मेंटेनेंस मार्जिन मार्जिन अकाउंट विल बी रीस्टोर्ड टू द इनिशियल ओरिजिनल मार्जिन समझ गए सर मार्क टू मार्केट क्या होता है बेटा डेली सेटलमेंट इन क्लोजिंग प्राइस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिपॉजिटेड इनिशियल मार्जिन अमाउंट बराबर है सो डेली सेटलमेंट भाई आज थाउजेंड का वन फिफ्टी हुआ तो फिफ्टी से बढ़ गया इन टू फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड शेयर पर लॉट मतलब कितना हुआ पच्चीस हजार से बढ़ जाएगा पच्चीस हजार से बढ़ गया मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट एंड ओल्ड फ्यूचर गेट्स रिप्लेस विद न्यू वन एट न्यू प्राइस एंड फ्यूचर इज रोल्ड ऑन टू द नेक्स्ट डे एट न्यू प्राइस गार्डेड गया तो ये है आईसीएआई अभी आप लोगों को आई होप तीनों हो समझ में आ गया होगा तो मेरा जो मेन काम था आज का मेरा आज का फोकस था क्या

एवरेज डेली एप्सोल्यूट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इज टेन थाउजेंड अब सुनो इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला क्या है बोलो बोलो चल चल कर इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला है सर न्यू प्लस थ्री इन टू स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू मतलब डेली एप्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू क्या डेली एप्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू दिया है येस yes. कितना सर प्लस थ्री इंटू कितना दिया है sir, standard deviation है है कितना so, कितना होता है? Sir, Total, कितना हुआ sir, sir, Initial margin, sir, calculate करना आ गया एकदम अच्छी तरह से आ गया सर नो प्रॉब्लम एवर नो प्रॉब्लम अब मेंटेनेंस मार्जिन भी देखो उसी के एकदम नीचे नीचे दे दिया है मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन तो मेंटेनेंस मार्जिन कितना है सो इट विल बी 16000 16000 75% विच इज 12000 तो 16000 का 75% एंड दैट इज 12000 बस हो गया इनिशियल मार्जिन मिल गया मेरे को मेंटेनेंस मार्जिन मिल गया अब मार्क टू मार्केट करते जाऊंगा मार्क टू मार्केट अगर मेंटेनेंस के नीचे गया तो मेरे को इनिशियल मार्जिन जितना वापस उसको फिल करना है आओ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं क्लोजिंग थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट पॉइंट फाइव के हिसाब से मार्जिन मेरा इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कर दिया मैं। मैंने स्टॉक मार्केट को कॉल किया और बोला मेरे को एक लॉट चाहिए उसने बोला एक लॉट चाहिए चल आई एम डिपॉजिट कर कितना डिपॉजिट कर दिया जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन भाव था थ्री मुझे चाहिए मार्केट मार्केट ऊपर जाए पहले पहले दिन दिन पे पे क्या हुआ पहले दिन पे मार्केट गया नीचे हो गया तो, गया तो 2.1 से नीचे इनटू लॉट साइज है 50 का सो so, ये देखो इधर 2.1 कितना होता है रुपीज वन जीरो रुपीज वन जीरो तो उतना माइनस क्योंकि मुझे चाहिए था मार्केट ऊपर जाए मैंने बाय किया है बॉट ठीक है ना मैंने सेंसेक मैंने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है ठीक है अगेन टेलिंग लॉन्ग शॉर्ट ये सब डिटेल में समझना है मेरे वीडियोस है और भी मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा उधर भी आप लोग को मिल जाएगा तो अब जैसे ही मैंने लॉन्ग किया मुझे चाहिए मार्केट ऊपर जाए बट ये तो नीचे गया नीचे गया तो मार्क टू मार्केट ने उतना मेरे मार्जिन से कट कर दिया अब मेरे मार्जिन में खाली बचा बच्चा अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसके अकाउंट में उतना बढ़ जाएगा समझे अब वापस नेक्स्ट उसके नेक्स्ट डे पे क्या हुआ थ्री टू नाइन फोर पॉइंट फोर था इस पे क्लोजिंग कर दिया मैंने मेरा इनिशियल मार्जिन उतना एडजस्ट हो गया फिर थ्री टू थ्री जीरो To 30, oh, again market नीचे चला गया तो again, मेरे से देखो पैसा कट जाएगा कितना हो गया 1, 2, 6, 9, मेरा maintenance margin है थाउजेंड तक का अभी भी बचा हुआ हो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है थ्री टू वन टू अगेन गोज डाउन सो अब मैं अगर इधर देखता हूं तो ये सिक्स नाइन वन टू सिक्स नाइन फाइव है वापस नाइन जीरो का लॉस तो वन टू सिक्स नाइन फाइव में से नाइन जीरो फाइव अगर कटा तो वन वन सेवन नाइन जीरो बोलेंगे रिफिल करो कितना रिफिल करो पूरा इनिशियल मार्जिन जितना वन वन सेवन नाइन जीरो आया माइनस सिक्सटीन थाउजेंड करता हूं मेरा आ जाता है फोर टू वन जीरो इतना मेरे को कॉल मनी लेकर आना पड़ेगा तो अब मैंने ये कॉल मनी लेकर आया फोर टू वन जीरो का मैं आ गया वापस इनिशियल मार्जिन पे सिक्सटीन थाउजेंड अब फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप यार मार्केट बढ़े गिरते ही जा रहा है गिरते ही जा रहा है उसके अगले दिन देखो थ्री टू वन टू पॉइंट हुआ था उधर तक का मैंने मार्क टू मार्केट कर दिया है. अब अगले दिन बढ़ा थ्री टू वन टू से गया थ्री टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव पे तो थ्री टू वन टू पॉइंट थ्री माइनस मतलब सॉरी थ्री टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव माइनस थ्री टू वन टू पॉइंट थ्री ये तो मेरे लिए पॉजिटिव है तो फिफ्टी फाइव पॉइंट टू इन टू फिफ्टी टू सेवन सिक्स से मेरा अब इनिशियल थाउजेंड सेवन सिक्सटी बस यही होते जाएगा जब तक मैं उसको स्क्वायर ऑफ ना कर दूं या फिर मेरा एक्सपायरी ना आ जाए ये सब होते ही मुझे पता चल जाएगा हाउ मच लॉस आई एम मेकिंग हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग समझ में आ गया आपको और ऐसी कुछ चीजें और डिटेल में और अच्छी तरह से समझनी हो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक द सेशन चलो सो दैट इज़ हाउ माय होल मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लुक लाइक इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन यस सो टाइम फॉर मीडू से आस्था विस्ता ये नोट शेयर कर देता हूं कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है जरूर जुड़ जाइए मेरे साथ एंड डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट और चीजों के साथ आप लोग को मिलते रहूंगा लाइक like, शेयर करना मत भूलना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बजा देना बेल आइकन बजाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो अदरवाइज कई बार पता भी नहीं चलता है कि कोई नया वीडियो आया है कमेंट में आप लोगों को बताना है और क्या क्या चाहिए और कैसा लगा ये सेशन टाइम फॉर वीडियो से आस्था विविस्ता कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच बाय